Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalaya, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Estran, Unisex Salon, Kacheri Road, Ajmer. Salon, jo aapko deta hai style. Hindustan mein gaay ko mata ka darja diya jata hai. Lekin raviwar der sham Kanji House se khabar aati hai ki wahan par kuch gaay mar gayi hai. Un gaayon ki jankari jab Bharatiya Kisan Union ke yuva नेताओं को मिली तो उसके बाद वो अजमेर नगर निगम आए हैं इस वक्त और आने के बाद में उनका दावा है कि वहाँ पर 3 गाय नहीं 20 गाय मर चुकी हैं। उनके दावे में कितनी सच्चाई है उनसे बात कर लेते हैं। निगम की कौन कौन सी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जिनको लेकर आज निगम में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। राजवीर सिंह गुजर। निगम कह रही है कि 3 गाय मरी हैं, आप कह रही हैं कि 20 गाय मरी है, हकीकत क्या है? हमारे पास साक्ष्य हैं, 20 गाय मरी है। कुछ गाय मृत अवस्था में थी, रास्ते में ले जाते थी वो मृत हो चुकी थी, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि केवल हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, हमने डॉक्टर को सूचित किया जबकि वहाँ ऐसा कोई प्रबंध नहीं है, ना सर्दी का कोई रखरखाव की व्यवस्था है। गायों को केवल सूखा खाकला खिलाया जा रहा है जबकि सब जानते हैं कि सूखे खाकले से गाय जिंदा नहीं रह सकती। और नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही है कि ये केवल है ना जो गाय दूध देती है, जो पशुपालकों की दूध देती गाय है, ये केवल उन्हें पकड़ते हैं और घरों के बाहर से पकड़ रहे हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको भी 24 घंटे बांध के रखा जाए खूंटी से तो क्या आप रुक जाओगे वहाँ 24 घंटे? तो गाय कैसे रुक सकती है? बेसारा गाय है, बेजुबान गाय, बोल नहीं सकती। ये जो गाय जिन गायों के लगी हुई है, किसी कारण से कोई पैरों में चोट आई हुई है, कहीं चोट आई हुई, उनको तो ये ले जाते नहीं उपचार के लिए। उनको 4-4 दिन फ़ोन करोगे तो भी नहीं ले जाएंगे, लेकिन वैसे अगर कोई दूध वाली गाय है तो उसको तुरंत उठा के ले जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग भी तो गायों को जो है सड़कों पर छोड़ देते हैं, स्मार्ट सिटी बनाने का सपना आप लोग भी चाहते हैं स्मार्ट सिटी बन जाए, कैसे काम चलेगा ऐसे? और दूसरी बात, गायों के मरने का कारण आप क्या मानते हैं कि कांजी हाउस में गाय मरना शुरू हो गई हैं? जी, गायों का मरने का प्रमुख कारण ये है कि शहर की जितनी अजमेर शहर की जितनी भी गायें हैं उनके पेट में 1/3 थैली है, ये सब जानते हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो कुछ लापरवाही इसमें पब्लिक की भी है। अब उस गाय को आप सूखा खाकला खिलाओगे जो कि सूखा होता है बिल्कुल, कुट्टी बंद कर दी गई है, चापड़ बंद कर दी गई है, पशुपालक गायों को कुट्टी खाकला चापड़ रोटी दलिया गुड़ सब खिलाते हैं, लेकिन नगर निगम में सिर्फ सूखा खाकला खिलाया जा रहा है जिनसे उनकी मृत्यु तय है। कोई भी गाय खाकला खा के ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन जीवित रह सकती है और उनकी ना कोई पीने की प्रॉपर व्यवस्था है, पानी की खाकला उनके पास उचित है नहीं, कुट्टी बंद कर दी। चिन्मय मैम ने आदेश दिया, बोले गायों के साथ में सुअरों को रखो, तो ये कोई तरीका नहीं कि आप सुअरों में संक्रमण ज़्यादा होता है। अच्छा, प्लास्टिक को आप मान रहे हैं कि कारण है वाकई प्लास्टिक गाय के मरने का? मेन कारण तो है ही है, पर जैसा कि आपने अभी पूछा कि है ना ये आप है ना स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी पहले जितने भी पशुपालक थे यहाँ पे मेन आगरा गेट और इधर रहते थे, पर जो कि स्मार्ट सिटी का जो एक प्लान आया उसी वजह से सभी पशुपालक पंचशील जैसे ये आउटसाइड एरिया में चल गए, अब वहाँ पर वापस आवास आ गए, वापस घर बन गए, तो उसका कोई निवारण नहीं है। या तो इनको एक पर्टिकुलर जगह दी जाए कि जहाँ पे बांध के रखते, क्योंकि ये बात आप भी वैलिड मानते हैं सर कि एक गाय को एक ही जगह बांध के नहीं रखा जाता, जो गाय अपाहिज होती हैं जिनके चला नहीं आता, जिनके दूध नहीं निकल रहा, उनको तो ये पकड़ते नहीं है। कितनी बारी कांजी हाउस प्रशासन को, गुप्ता जी को कई बार फोन करके सूचित किया गया कि यहाँ पे पकड़ लें वो पकड़ लें, पर नहीं पकड़ते। जैसी कोई दुआरी वाली गाय दिखती है इनको, क्योंकि दुआरी वाली गाय वाजिब है कि आज पशुपालक उसी से कमा के खा रहा है, तो उसको झक मरा के छुड़वाना पड़ेगा, 5-5 क्या 10,000 की भी रसीद काटेंगे तो छुड़वाना पड़ेगा। गली गलियों में घुस घुस के वहाँ से ले जा रहे हैं, तो ये कहाँ की वाजिब है इस वजह। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि कांजी हाउस के अंदर सुअरों के साथ गाय को रखा जा रहा है, वाकई रखा जा रहा है? जी सर, हमारे पास साक्ष्य हैं, इसकी वीडियो हमने कल बनाई है और सर से जो जहाँ पे गुप्ता जी जो मेन वहाँ पे जो मेन प्रमुख हैं उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने बाकायदा हमें मैसेज दिखा के बोला, देखो हमें तो ये चिन्मय गोपाल मैडम ने बोला है इसलिए हम रख रहे हैं, और हमने इसी वजह से वीडियो भी बनाई ताकि आने वाले समय में आप जैसे मीडिया भाई हमसे पूछे तो हम उनको साक्ष्य दिखा सकें कि एक संक्रमण का एक रोग पूरा हो सकता है कि आज है ना सुअरों को हम है ना साथ रख रहे हैं और गाय का दूध भी पी रहे हैं, तो ये कैसी वाजिब है? आपको क्या लग रहा है कमिश्नर के आदेश पे ऐसा हो रहा है, सरकार नहीं चाहती कि गायों को बचाया जाए? बात करें सरकार तो सर है ना, सरकार चाहे कोई सी भी हो गायों के लिए तो वाजिब, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मंच पे खड़े होकर गायों को माता का दर्जा दे रहे हैं ना, परंतु ये जैसे ये जो एक पता नहीं किस मानसिकता के जो आयुक्त आए हैं इस बार कि वो डायरेक्ट ये ऑर्डर दे रहे हैं कि सुअरों को, आज तक मैं उधर ही रहता हूँ सर है ना पंचशील में, ये हमारा मकान है, पर मैंने कभी नहीं देखा कि सुअरों को वहाँ रखा जा रहा है, पर कल जो दृश्य हमारे सामने आंखों के सामने आया वो एक बिल्कुल ही निंदनीय घटना है कि वहाँ पे सुअरों को रखा जा रहा है, कोई लापरवाही वहाँ पे है ना। आज आप रसीद हम आपको दिखाएंगे आपको मीडिया के माध्यम, 5,000 वहाँ पे रहने की
₹500 उनकी धुलाई की और ₹100 खाने की है ना, तो क्या खाना खिलाए जा रहे हैं आप? खाकला खिला रहे हैं वहाँ पे सूखा, कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। और ना तो वो दरियों के रखे हैं कि है ना सर्दियों से बचाव हो सके, किसी भी चीज़ की वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, और फिर आप पूरा पूरा रसीद भी काट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैडम के ऊपर एक आरोप आता है कि है ना आप ये ऐसे करके आप हिंदू या फिर कोई भी है ना पशुपालकों के आप ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग आज निगम आए हैं, अगर निगम प्रशासन इस बात के लिए तैयार नहीं होता है, जो मांगे आपकी हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? सर, आगे की रणनीति ये है कि सभी पशुपालक का तो रोजगार वही है, भूख खाना उसी से खाते हैं, तो क्यों ना ये सारे के सारे हम सब मिलके यहाँ पे भूख हड़ताल बैठ जाएं, और जब तक ये मैडम ना माने, अपनी हठधर्मिता ना छोड़े, तब तक हम भूख हड़ताल भी बैठे रहेंगे। क्योंकि गाय हमारी माता है, आज हमारा दिल दुखता है कि है ना आज वो सुअरों के साथ और किसी भी अन्य है ना ऐसी मतलब गाय को अपने बच्चों की ऐसे भी माना जाता है, गुड़ मेवा तक खिलाते हैं, अब कभी घर में कोई फंक्शन होता है तो हलवे तक की खिलाते हैं, पर यहाँ पे खाकला खिला के काम चलाऊ काम हो रहा है, जो कि पूर्णतः निंदीय है। अगर है ना ये काम और चलता रहा तो हम 2 या 3 दिन का मैडम को समय दे रहे हैं, अगर फिर भी मैम के कानों में जू नहीं रेंगती तो हम इसी नगर निगम के यहाँ पे अपने है ना सब भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे सारे भाई। तो ये भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता हैं, जिन्हें नगर निगम प्रशासन से बहुत सारी शिकायतें हैं, क्योंकि ये सब गाय की सेवा में लगे हुए हैं और गाय को बचाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTV इंडिया, अजमेर।